एक 7 साल की मासूम सी बच्ची, जी हाँ, एक 7 साल की मासूम बच्ची जिसे दुनियादारी का कुछ पता भी नहीं, और वो रोती रही, बिलखती रही, लेकिन उस दरिंदे ने बिल्कुल भी नहीं सुनी, एक भी नहीं सुनी, और उस मासूम बच्ची का रेप कर दिया, और रेप करने के बाद उसे हत्या कर दी गई। जी हाँ, उसे मार करके, गला घोट करके, उसकी हत्या करके बाद उसके शव को जो है वो पेट्रोल से जलाने की कोशिश की गई, अधजले शरीर को जंगल में मिला। और अब उस मामले में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। जी हाँ, एक ऐतिहासिक फैसला आया है कि ऐसे दरिंदे को फांसी की सजा हुई है, और यह कहीं और नहीं हरियाणा में ही हुई है। हरियाणा के कैथल का एक ये मामला, बड़ा मामला सामने आ रहा है, जहां पर 7 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप किया जाता है, और वो रेप लगभग 1 साल उस घटना को हो गया, यानी अक्टूबर के अंदर जो है दोषी पवन कुमार ने जो है 7 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप करके उसकी हत्या कर दी थी, और घटना के सबूत मिटाने के लिए बच्ची के शव को अध जला करके शव को जंगल में फेंक दिया था। पवन ने मुंह दबा करके उसकी हत्या की थी, लेकिन कहते हैं ना कि दरिंदा जो भी होता है, कोई हत्यारा होता है, वो कहीं ना कहीं सबूत जरूर छोड़ देता है, तो उसने भी ऐसा ही काम किया, उसका भी सबूत जो है वो रह गया, और उसने सीसीटीवी कैमरे में वो कैद हो गया। जब वह पवन जो है उस मासूम सी बच्ची को लेकर जा रहा था, तो उस दौरान वह सीसीटीवी में कैद भी हो गया, और पवन ने सबूत नष्ट करने के लिए पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेकर आया और शव पर छिड़क करके जो है उसे आग लगा दी। अध जले शरीर को पुलिस ने बरामद किया, और थाना कलायत में केस दर्ज इस मामले का हुआ था, और वह दरिंदा पवन को पुलिस ने पकड़ा। और कहते हैं ना कि भाई दरिंदे को सजा होनी चाहिए फांसी की, तो फांसी की सजा हुई है। एक ऐतिहासिक फैसला आया है, जी हाँ, हरियाणा में एक ऐतिहासिक फैसला आया है, और जिला स्तर पर पहली बार किसी दोषी को फांसी की सजा हुई है। एक बड़ा मामला, और ये एडीजे डॉक्टर गगनदीप कौर सिंह ने अदालत में ये फैसला सुनाया है। जी हाँ, एडीजे गगनदीप कौर, जिन्होंने इस फैसले को सुनाया है कैथल में। डीडीए जय भगवान गोयल ने भी बताया कि इस मामले में लगातार 2 दिन तक बहस चली। बहस चलने के बाद माननीय कोर्ट ने अधिक से अधिक सजा की मांग उनकी तरफ से की गई थी, और उसके बाद पीड़ित परिवार को डीएलएसए के माध्यम से 30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी, और उस दरिंदे को फांसी की सजा हुई है। जी हाँ, पवन नाम के व्यक्ति को फांसी की सजा हुई है, जिसने मासूम सी बच्ची के, 7 साल के मासूम सी बच्ची का जो है रेप किया था। एक ऐतिहासिक फैसला आया है, कैथल के कलायत में ये मामला दर्ज हुआ था, और कैथल कोर्ट में जो है एडीजे डॉक्टर गगनदीप कौर ने इस ऐतिहासिक फैसले को सुनाया, और जिला स्तर पर पहली बार किसी दोषी को फांसी की सजा हुई है। आपका क्या कहना है, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करते रहें। उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए ऐसी मुहिम को आगे से आगे लोगों तक पहुंचाएं, और एक अपील, जितने भी बलात्कारी लोग हैं, जितने भी मासूम बच्चियों के साथ इस तरह की दरिंदगी करते हैं, उनको क्या फांसी की सजा ही होनी चाहिए, वो कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को शेयर करते रहें। उस मासूम सी बच्ची के लिए शेयर कीजिए, ताकि ये आवाज दूर तक पहुंचे, और ऐसी मासूम सी बच्चियां और जो है वो बच सकें, और ऐसे ही दरिंदों को सजा मिल सके, ताकि कोई और व्यक्ति ऐसी दरिंदगी ना करे, और कोई ऐसा कदम ना उठाए जो इस पवन ने उठाया था, जिसके लिए अब जो है इसे फांसी की सजा सुनाई गई है। तो दूर तक शेयर कीजिए, एक मासूम सी 7 साल की मासूम सी बेटी का रेप करके उसे हत्या की गई, उसे अर्ध जला छोड़ दिया गया जंगल में, उसे पेट्रोल जला करके जला दिया गया, और फिर जो है कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, कैथल कलायत की कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है, कैथल की कोर्ट ने, और एडीजे गगनदीप कौर ने एक बड़ा फैसला लेते हुए फांसी की सजा सुनाई है। वीडियो को शेयर करते रहें, दूर तक पहुंचाएं। धन्यवाद।